तो गाइस वैसे कंटेंट और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। जो मेरी दो YouTube पेमेंट आई थी तो उससे मैंने ये फोन खरीदा है, तो थैंक यू आप सब लोगों का इतना सपोर्ट बनाने के लिए। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं भाई। एक बार कमेंट कर लेना कौन कौन ब्लॉग देखना चाहते हैं और कौन कौन दीदी की शादी की कैसेट जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसी के पार्ट अभी देखना चाहते हैं। ये मुझे पड़ा है अप्रोक्स। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चागांव से। तो सुबह के करीबन 10:30 बज चुके हैं और काफी दिन बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं, 4 दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो मैंने बताया था कि एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूं। वैसे कंटेंट और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा और अन्नु भी आ रखा है भाई, अन्नु के फोन से ही ब्लॉग शूट हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अन्नु के पास आईफोन 12 है तो उसी से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं। बाकी इसको बुलाते बुलाते भाई 10:30 बज चुके हैं, मैंने इसको 8:30 बजे कॉल कर दी थी कि घर पे आ जाओ, मैंने कहा ब्लॉग शूट करना है आज। तो बोल रहे पीछे से कि आज गढ़वाली ब्लॉग था, तो मैंने कहा भाई एक्सप्लोर थोड़ी हिंदी में किया जाए आज सरप्राइज जो है। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बाकी अनु घर में आया भाई और मम्मी ने देखो भाई सबसे पहले काम करवा रही है मम्मी इससे कि जो ऊपर रोशनदान खुली है ना वो बंद कर दे। कि मैंने बताया था कि आजकल कीड़े मकोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अंदर बैठ रहे भाई। वैसे अंदर से जाली तो है भाई, मेरे शर्ट है भाई ड्यूटी ले आना मैंने कल। तो ये देखो भाई अनु को कॉल कर रहा था तो अनु के साथ यही जा रखा था भाई कल, और अनु से मैंने अपना फोन मंगाया। तो फटाफट से फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। इन्होंने कल फोटोज क्लिक की होगी तो आशी फोटोज इसने दी नहीं होगी, तो आशी बोल रहा कि मैं अभी आ रहा हूँ भाई फोटो देनी है उसने मेरी। क्यों नहीं दी भाई तूने फोटो इसकी है? अपनी फोटो तो खूब अपलोड कर रहे है, अपनी फोटो खूब पोस्ट कर रहे भाई इंस्टाग्राम पे। तो ये देखो भाई ये मेरा फोन है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस वैसे कंटेंट और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। जब मैंने ब्लास्ट ब्लॉग बनाया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि मैं अब ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, तो काफी सारे लोगों के मेरे को मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। तो ब्लॉग न बनाने का एक ही रीजन था कि मेरा न्यू फोन आने वाला था, तो जो पुराना फोन मेरा था वो था आईफोन 11 और ये वाला जो फोन है ये है आईफोन 13। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं दीदी की शादी की कैसेट अपलोड कर रहा था, तो इसी की वजह से कर रहा था बिकॉज मेरा जो आईफोन 11 था ना वो मैंने एक्सचेंज में दे दिया था, तो वो फोन एक्सचेंज हुआ और कुछ और पैसे मैंने मिलाए, मतलब समझ लो कि जो मेरी दो YouTube पेमेंट आई थी तो उससे मैंने ये फोन खरीदा है। तो थैंक यू आप सब लोगों का इतना सपोर्ट बनाने के लिए, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मेरी दो YouTube पेमेंट आ गई है और दोनों YouTube पेमेंट मैंने इस iPhone में लगा दी है। तो इस फोन के बारे में बता दूं, पहले जो मेरे पास फोन था वो iPhone 11 था और ये वाला फोन जो है ये है iPhone 13, तो जो कि अन्य लोगों के पास मैंने मंगाया था। तो जिस दिन मेरा लास्ट ब्लॉग अपलोड हुआ था उस दिन अन्य लोग देहरादून गए थे, अन्नू और आशी दोनों देहरादून गए थे, तो इनसे ही मैंने फोन मंगवाया था। और मैंने बताया था कि आईफोन 11 जो मेरे पास है ना उस पे उसकी जैक पे कोई दिक्कत थी, मैं ब्लॉग में बताता रहता था कि वो ना ढंग से चार्ज नहीं होता था। तो मैंने बोला कि मैं फोन नया फोन ले लूं, और वैसे मेरे पसंद जो आया था वो आया था 14 और 15, दोनों में से एक पसंद मेरे को आ रहा था, तो मैंने 14 लेने की डील डन भी कर ली थी। और फिर अनु ने मेरे को बोला कि 2 महीने के अंदर मैंने एक और सरप्राइज ड्रॉप करना है, वो अभी सरप्राइज है वो मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, तो बाकी जो मेरे दोस्त हैं उन सबको पता है कि 2 महीने के अंदर क्या सरप्राइज आने वाला है। तो इसी की वजह से अनु ने मेरे को मना किया, अनु ने बोला कि अभी जब तूने सरप्राइज देना ही है तो फिर थोड़ी सस्ता ही फोन ले ले। वैसे फोन तो मेरे को पसंद आ गया था, 14 था ना, 15 मेरे पसंद आ गया था और डील डन भी हो गई थी, मैं कंफर्म बताने वाला था। और फिर तब तक इसने बोला कि अभी मत ले, पहले जो दूसरा सरप्राइज है उसको ड्रॉप कर ले, उसके बाद हम नया फोन लेंगे, तो उसके बाद ही मैं नया फोन लूंगा, फिलहाल तो जो है वो है मेरे पास। और भाई गर्मी भयंकर वाली हो रही है, तो फटाफट से इसके बारे में बताता हूँ। पहले तो ये फोन जो है वो है आईफोन 13 और स्टोरेज कितनी है? 256। हाँ 256 स्टोरेज है, मेरे से ज्यादा पता अनु को है भाई, तो अनु लेके आया, मैंने सिर्फ हाँ बोल दिया था, मैंने फोन देखा मैंने कहा इसी को लेके आ जा। तो फिर मैं बता दूं ये है आईफोन 13 256 GB और जो मेरा आईफोन 11 था वो था 64 GB। तो मैं ब्लॉग में बताता रहता था, जब शादी के ब्लॉग में बनाता था तो उस टाइम क्या होता था कि मेरी स्टोरेज फुल भर जाती थी और फिर मैं दूसरों का फोन मांगता था जिसके पास आईफोन होता था। तो शादी में ये हो जाता था कि बहुत सारे ऐसे आए रहते थे जिनके पास आईफोन रहता था, फिर उन्हीं से मांग लेता था और फिर फटाफट से मैं ब्लॉग एडिट करता था। काफी सारे लोग जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं शाम को मतलब बारात से आता था और फिर ब्लॉग एडिट
करता था, फिर दिन का जो ब्लॉग बनाया है वही मैं अपलोड कर देता था, तो इसी की वजह से। तो ये बता दिया मैंने कि आईफोन 13 है 256 GB है, और ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्स कितने 45 से 50 के बीच, क्योंकि इसके साथ जो आईफोन चलाते होंगे जिनको पता होगा कि आईफोन के साथ चार्जर नहीं मिलता है, इसका चार्जर अलग से लेना पड़ता है। तो इसका चार्जर ये है, उसके साथ डेटा केबल भी है, और फिर इसके साथ ये कवर भी, मैंने इसको कवर दूसरा बोला था भाई, व्हाइट कलर बोला था मैंने इसको। इसने मेरे को बहुत सारे कवर दिखाए, वो मेरे पसंद गए। फिर मैंने एक कवर देखा था फ्लिपकार्ट का देखा था भाई, तो वो कलर था व्हाइट कलर, बिल्कुल मस्त लग रहा था भाई, और मैंने इसको बोला था व्हाइट कलर लेना, और भी फोटो तो भेज दी जो इसके पसंद आए, उन सब की फोटो भेज दी भाई, और इसकी फोटो नहीं भेजी। मैंने बोला भी था जो तू लेके आएगा उसकी फोटो भेज देना, और ये सीधा उठा के लेके आ गया, इसकी फोटो नहीं भेजी, और बोले कि व्हाइट मिल जाएगी, और घर आके देगा कि ये वाला ले रखा है। फिर कल जब ये फोन लेके आया, फोन की अनबॉक्सिंग मैंने अभी खुद नहीं किया है, सिर्फ यही ढक्कन खोला था, बस दीदी को वीडियो कॉल पे बताया था, दीदी बोल रही थी कि फोन दिखाना, तो अभी ढंग से मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया, और इसकी सेटिंग मिलाना भी बाकी है। होता है कि आईफोन पे एप्पल आईडी बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीज है। वैसे एप्पल आईडी जो मेरी पुरानी थी वो आईफोन 11 पे थी, तो वही आईडी इस पे खुल जाती है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी ऐप वगैरह सब डाउनलोड करने पड़ते हैं, और फिर आज तो मेरा नेट भी उड़ गया भाई सारा, फिर दोबारा से नेट कराना पड़ेगा, और आजकल बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरे पास गूगल पे वगैरह कुछ नहीं था, और ऑनलाइन शॉपिंग भी की है मैंने, मतलब कल ही मैंने जब ये कवर देखा मैंने, तो फिर मैंने कवर भी ऑर्डर किया भाई, कल ही शाम को मैंने कवर ऑर्डर कर दिया था, और एक दो दिन में कवर आ भी जाएगा। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू आप सब लोगों का कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, कि 2 YouTube पेमेंट जो है वो मेरी इस फोन पे लग चुकी है, बाकी कुछ एक्सचेंज के भी हैं। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं भाई। ये है इधर ला भाई। तो इसका लुक कुछ ऐसा है भाई, ये देखो, ये पूरा ये, और फिर खोल के भी देखते हैं, इसके साथ ये चार्जर भी, बाकी ये देखो अभी खुल रहा है भाई, और फटाफट से इसकी सेटिंग करते हैं, और फिर घूमने चलते भाई। आज संडे भी था, तो अन्न बोल रहा था कि गढ़वाली ब्लॉग बना बोल के, तो मैंने कहा भाई जो गढ़वाली नहीं समझते होंगे, तो आज मुझे पता है कि ये ब्लॉग थोड़ी अच्छे व्यूज जाने वाले हैं। तो ये देखो भाई इस तरह से खुलेगा, क्या भाई पासवर्ड कैसे डाल भाई, इसने पासवर्ड भी डाल दिया भाई कल, और ये कल मैं बता रहा था कि अभी आज ही बोल रहा था ना कि इसने मेरी फोटो नहीं दी, और इसने इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट भी कर ली, और जिस टाइम मैं फोन ले रहा था ना उस टाइम बोल रहा था भाई कि फोटो खींचेंगे बस तेरे फोन से। ये मतलब आईफोन पे क्या होता है, एक सिक्योरिटी हो जाती है, अच्छा होता है। वैसे मैं सोच रहा था एंड्रॉइड फोन लेने की, मतलब काफी सारे ब्लॉगर तुमने देखे होंगे तो उनके पास एंड्रॉइड ही फोन रहता है। बाकी मैं दीदी का फोन चला रहा हूँ आजकल, तो कैसे अपलोड कर रहा हूँ दीदी की शादी की, सब लोग तो देख ही रहे होंगे। तो भाई मतलब एडिट करने में इतनी आफत आ रही ना उस पे कि जैसे मैं क्लिप उठा रहा हूँ ना, तो फिर वो पता नहीं कहाँ जा रही है, फिर देखना पड़ रहा है कि कहाँ गई होगी, तब जाके ढंग से एडिट करना पड़ता है। बाकी इतना ही था, और लास्ट में यही बोलूंगा कि थैंक यू आप सब लोगों का इतना सपोर्ट बनाने के लिए कि आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और लास्ट में यही बोलूंगा कि मेरी जो फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई थी वो आई थी फरवरी लास्ट में, तो दूसरी यूट्यूब पेमेंट जो आई है वो मेरी होल्ड हो गई थी जून लास्ट में, मतलब इस टाइम उन्होंने यूट्यूब पेमेंट जल्दी होल्ड कर दी थी, तो शायद 1 तारीख को होल्ड हो गई थी, तो 7 तारीख को वैसे यूट्यूब पेमेंट जो है वो होल्ड होती है, और 21 से 23 के बीच वो अकाउंट पे पड़ जाती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो गैप है आपको 1 महीने में कन्वर्ट करना है। तो इस बार जो सेकंड यूट्यूब पेमेंट आई वो आई फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का गैप था, और बस एक हेल्प तुमसे चाहिए कि बस इस गैप को 1 महीने में कन्वर्ट करना है। फिलहाल थैंक यू आप सब लोगों का। तो गाइज रात के बज रहे 9:30, तो खाना भी खा लिया है, और आज की जो वीडियो थी वो फोन के अनबॉक्सिंग की वीडियो थी, और सुबह मैंने अन्नू के फोन से वीडियो शूट की थी, और ये वाली जो वीडियो बन रही है वो बन रही है मेरे अपने फोन से। तो जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं वो कमेंट करना कि जो पहले मेरे पास फोन था उसकी क्लियरिटी अच्छी थी कि ये वाला जो फोन है उसकी क्लियरिटी अच्छी है। बाकी मैंने पहले भी बताया था कि मेरी जितनी भी यूट्यूब पेमेंट आएगी तो उससे मैं ब्लॉगिंग के लिए गैजेट लूंगा। अभी मैंने आईफोन लिया है और एक और सरप्राइज में ड्रॉप करने वाला हूँ, मैंने बताया था, तो वो 2 महीने के अंदर मैं ड्रॉप कर दूंगा। और फिर GoPro वगैरह काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मोटो ब्लॉगिंग करो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए GoPro भी लेके आऊँ, वो भी लेके आऊंगा, बट थोड़ी टाइम लगेगा और वो ब्लॉग में दिखी जाएगा आपको। बाकी आजकल आप देख रहे होंगे कि दीदी की शादी कैसेट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो काफी दिक्कतें होती है भाई एडिट करने में। तो आज कॉपीराइट आ गया था, आपने देखा होगा आज की जो वीडियो थी ना, तो वो काफी लेट में मैंने अपलोड की, इसी की वजह से कि
बिकॉज उस पर कॉपी राइट आ गया था और फिर उसको सही करना पड़ा, फिर टाइम लग गया था। और कमेंट में जरूर बताना, काफी सारे लोग कमेंट करते हैं। मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देखते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं। बुजुर्ग लोग जो हैं उनका तो सही भी लगता है कि देख के बोल के ना, उनको कमेंट करना आता नहीं है, बट जो यंग है मतलब वो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करना उनका बस का होता नहीं है। बाकी जो भी कमेंट करते हैं वो कमेंट कर देना कि अब मैं ब्लॉग लेके आऊं या ना लेके आऊं, कि जो सीरीज चली रही है दीदी की शादी कैसेट जो मैं अपलोड कर रहा हूं वही अपलोड करता रहा हूं, बिकॉज दो या तीन पार्ट अब बाकी हैं, विदाई तक का पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। तो एक बार कमेंट आ जाए ना तो फिर देखता हूँ, बिकॉज काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि ब्लॉग कब आएंगे कब आएंगे, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और जितने लोग भी मेरे से बात करते हैं ना वो भी बोल रहे थे कि ब्लॉग कब तक आएंगे कि। तो एक बार कमेंट कर लेना कौन कौन ब्लॉग देखना चाहते हैं और कौन कौन दीदी की शादी कैसेट जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसी के पार्ट अभी देखना चाहते हैं। पांच पार्ट तो आपने देख ही लिए होंगे, बाकी दो या तीन पार्ट अभी बाकी हैं। तो एक बार लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू आप सब लोगों का, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि दो YouTube पेमेंट से मैंने अपने लिए एक न्यू iPhone ले लिया है। बाकी जो भी YouTube पेमेंट आती रहेगी तो उससे मैं ब्लॉगिंग के लिए गैजेट लेता रहूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिलहाल जिसने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।